कलमुए चौधरी के आदमी हर साल तंग करते। पिछले साल किराया नहीं चुकाया, इस साल ये उत्सव नहीं हो सकता। पिछले साल तो सूखा पड़ गया था भैया। इस साल भी गांव की हालत तुम्हें पता ही है, अगली फसल पे सब चुका देंगे। हम कुछ नहीं जानते, चौधरी का हुक्म है। शाबाश, एक दो तीन चार, इसीलिए कहता हूँ लाठी के कर्तव्य सीख ले, पता नहीं दुश्मन किस पैंतरे से वार कर दे। कल से जरूर आ जाऊंगा भैया। अबे जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब, समझा? ले शुरू हो जा, चल। लेकिन भैया बहुत साहूकार अपने कर्तव्य दिखा रहा है। वो फिर आ गया? हाँ भैया, उसने अपने आदमियों से कहलवा भेजा है कि पंडाल तब लगेगा जब पिछली जन्माष्टमी का किराया मिलेगा। उसकी ऐसी तैसी, धर्म के मामले में धंधा। चलो मेरे साथ। देखो राजू, पहले धंधा फिर धर्म, तो खामखा अपनी टांग अड़ा रखो, जाओ अपना काम करो। मेरा तो काम यही है भैया, बीच बचाओ, सुलह सफाई, भर दो पिछला किराया और कर लो खुदाई। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मेरे पास इतना रुपया होता हाँ तो तुम्हारी इतनी खुशामद क्यों करता? तो फिर वक्त क्यों खराब कर रहे हो?
यहाँ वक्त के भी पैसे लगते हैं। वक्त के लिए तो पागल मत बनो रणवीर, कि भगवान को भी भूल जाओ। ओ भगवान क्या भक्त, इतना भाषण क्यों कर रहे हो? राजू के बारे में कह रहे हो? वो लफंगा, उसकी ये हिम्मत, उसकी ये हिम्मत, आइए मेरे साथ, ये हिम्मत। अरे मरने को कौन जाए, ये धरती भगवान की है। लेकिन भगवान ने चौधरी के भाग्य में लिख दिया राजू। जो भगवान किसी के भाग्य में लिख सकता है उसे मिटा भी सकता है लाला। अगर इतनी ही हमदर्दी है तो तुम ही चुका दो किराया। चौधरी आज मैं सिर्फ किराया ही नहीं बल्कि पूरा हिसाब किताब चुकाने आया हूँ। बोलो कितना है? लाठी से नहीं राजू, शराफत से काम लो। लाला शराफत और आप जैसे शरीफों के साथ, शराफत छोड़ दी मैंने लाला। काम शुरू कर दो। हाँ, काम शुरू करो। चलो ना लगे, हाय हाय जी ना लगे।
आजा आजा छलिया के राधा का जी ना लगे ना लगे ना लगे हाय हाय जी ना लगे शाम सलोना मैं हूँ भोरी की चाय में इतना मजा आता है कि क्या बताऊं। सोचता हूँ कल तेरी शादी होगी तो इतना मजा कहाँ से आएगा। मैं तुम्हें चाय नहीं पिलाऊंगी क्या? अरे भी मर्दू इतनी जल्दी बुरा मान गई तू? वाह मैंने तुमसे बोलती तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। अरे बेटे तुझसे प्यार करूंगा तो और किससे करूंगा? तुम दोनों के कारण तो मैं जिंदा, ये तो कब का मर गया होता। बापू जाओ तुम खेल। प्रीता है वो सदाशिव बाबू याद है ना तुम्हें? कौन वो रतनपुर वाले चाचा जी? हाँ उनकी लड़की थी ना दुर्गा। हाँ? दुर्गा ने अपने बाप को मार डाला। कैसे? कैसे क्या, बेचारे सदाशिव ने लड़की का कहीं रिश्ता तय किया हुआ था और ऐन शादी के दिन दुर्गा ने उस लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया और किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई। बेचारा सदाशिव उसके मुंह पर बेटी ने गाल फोड़ दी। बिरादरी को मुंह कैसे दिखाते, जाके तालाब में छलांग मार दी। बाबू चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम मर के बच तो गया। वो तो क्या मैं भी अगर उसकी जगह। बाबू तू काहे को इतना परेशान होती है पगली? कहां दुर्गा कहां तू। दुर्गा तो अपने बाप को बाप ही नहीं समझती और तू मेरा कितना ख्याल रखती है। अरे हाँ बेटी कल शाम को 4 बजे कुछ लोग शहर से आ रहे हैं, तुम जरा घर पे रहना, उनके खाने पीने का इंतजाम करना। हो
अरे ये क्या? देवी को खुश करने के लिए पुजारी के पास बस एक ही रास्ता है। मैं देवी हूँ। और नहीं तो क्या? इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम मंदिर की देवी की तरह चुपचाप बैठी हो। और नहीं तो क्या करती? तुमने कल फिर मारपीट की ना? प्रीता, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं लोगों की भलाई करना चाहता हूँ और उल्टा मुसीबत मेरे गले आन पड़ती है। इसीलिए तो कहती हूँ ये लाठीबाजी सब छोड़ दो, कोई अच्छा सा काम धंधा कर लो। मुझे ये लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर नाराज हो गई? अच्छा बाबा, अच्छा मैं तो ये छूकर कहता हूँ कि आज से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल बंद। वैसे तो ठीक ही कहती है प्रीता, मैं भी कभी कभी यही सोचता हूँ कि कोई छोटा सा एक धंधा कर लूं। हमारा भी एक छोटा सा घर हो जिसमें मैं, तुम, मेरा मतलब है हम दो, हमारे दो। प्रीता, मेरी इच्छा है कि हमारे यहां एक लड़की पैदा हो और उसका नाम हो राधा। अरे मैं तो भूल गई थी, मुझे जाना है। कल फिर इसी वक्त? हाँ जरूर आऊंगी। प्रीता, प्रीता, कहाँ गायब हो गई दोनों? गीता, मैं आ गई बाबू। इतनी देर कहाँ करती बेटे? बस थोड़ी देर लगी थी। अरे तुमने हाथ मुंह नहीं धोया? गीता तुम जल्दी से तौलिया पानी दो बाबू को, मैं चाय बना के लाती हूँ। तुम मुझे तौलिया पानी दोगी? नहीं बाबू, आइंदा देर नहीं होगी। कहेंगी चल। अच्छा राम प्रसाद जी जाते हैं, टाइम बहुत हो गया। चलिए मैं भी चलता हूँ। प्रीता बेटी। जी बाबू। मैं जरा सहाय साहब को छोड़ के आया। अच्छा नमस्ते, फिर आएगा? अब आना जाना तो लगा रहेगा बेटी, और तेरी शादी पर भी आना ही पड़ेगा। क्यों राम को शादी? आई अरे तुम, किसी ने देखा तो नहीं? जाने मन, तेरे सिवा किसकी क्या मजाल जो मेरे सामने आंख उठा के देख ले। ये बता कौन थे वो लोग? मेरे बापू के दोस्त। पहले तुम जाओ यहाँ से। कहीं तेरी शादी की बात तो करने नहीं आई? ना बाबा ना, तो मैं भी डर गई थी। अच्छा अब ये बता, आज मिलने क्यों नहीं आई? कैसे आती, बापू जो थे? बापू ने मना किया? हाँ बापू से ये नहीं कह सकती थी किसी सहेली से मिलने जाना है? छे, बापू से झूठ बोलती, बापू को दुख नहीं होगा? और मुझे जो दुख हुआ वो बापू ने मना किया तो नहीं आई, मैंने बुलाया तो भी नहीं आई। अगर तेरे बापू ने मुझसे शादी के लिए मना किया? छी 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 छी, ऐसी अशुभ बात नहीं बोलते। अच्छा सुन, आज मैं तुझे खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। आज नहीं कब? कल नहीं आज, और तुझे सुननी ही पड़ेगी। अच्छा बाबा सुनाओ क्या है। दीदी राजू भगवान के लिए चले जाओ। एक शर्त पर जाता हूँ, कल आएगी ना? हाँ आऊंगी। हाँ। आएगी ना? आऊंगी बाबा, चलो ना। अरे किस खुशी में? पहले मुंह मीठा कर फिर बताता हूँ। अभी बताओ। शहर में मेरी नौकरी पक्की हो गई। सच? हाँ प्रीता, शहर पहुंचते ही मैं एक छोटा सा घर लूंगा और उसको स्वर्ग की तरह सजाऊंगा, और फिर तेरे लिए नए नए कपड़े, नए नए गहने और एक छोटा सा पलना। पलना? और फिर हम दो, हमारे दो। शादी के बाद? तू फिक्र मत कर, अगली पूर्णमासी तक लौट के पहले तेरे बापू से तेरा हाथ मांगूंगा और फिर हम दो। बस फिर वही बात, तुम तो हमेशा सपनों में खोए रहते हो। प्रीता कभी कभी सपने भी पूरे होते हैं, समझी? सपना मैंने देखा है, एक सपना मैंने देखा है, एक सपना मैंने देखा है, तेरे हाथ में थी तकदीर मेरी, तेरे दिल में थी जागीर मेरी, तेरी आंखों में तस्वीर मेरी।
कहो झूठा है या सच्चा है? ये कहने में तो झूठा है पर सुनने में कुछ अच्छा है। मैंने भी एक सपना देखा है, एक सपना मैंने देखा है, एक सपना मैंने देखा है, ना दिल में तेरी चाहे, ये ना तुझ पे मेरी निगाहें, ना बाहों मेरी चाह थी। कहो झूठा है या सच्चा है? ये तेरी तरफ से झूठा है, वो मेरी तरफ से सच्चा है। एक सपना मैंने देखा है, एक सपना मैंने देखा है। एक सपना मैंने देखा है, एक सपना मैंने देखा है। जंगल की पगडंडी पे जब तूने मुझे बुलाया था, तू दिल का तोहफा देता था और मैंने उसे ठुकराया था। ये कैसे हो सकता है? हुआ, तू दिल का तोहफा देता था और मैंने उसे ठुकराया था। उस पर तूने तकरार किया, फिर देने पे इसरार किया, फिर मैंने भी इनकार किया। कहो झूठा है क्या सच्चा है? ना सुनने में ही अच्छा है, ना कहने में ही अच्छा है। एक सपना मैंने देखा है, एक सपना मैंने देखा है। एक सपना मैंने देखा है, एक सपना मैंने देखा है। बतलाओ मेरी पलकों पे ये किसके सपने आते हैं? जो दिन को अक्सर कर पाए वो नींदों में मिल जाते हैं। तुम जैसा ही कोई एक हसीन रहता है दिल के पास कहीं, अब सच कह दे तू वो तो नहीं। कहो झूठा है या सच्चा है? एक पैसा भी झूठ नहीं, ये सोना आने सच्चा है, ये सोना आने सच्चा है, ये सोना आने सच्चा है। एक सपना मैंने देखा है, एक सपना मैंने देखा है, एक सपना मैंने देखा है, एक सपना मैंने देखा है। कैसे हैं ये कपड़े बेटी? बहुत अच्छे हैं बाबा। अरे इससे भी अच्छे अच्छे कपड़े और गहने बनवा रहे हैं वो लोग। कौन लोग? साहेब बाबू, भूल गई उस रोज जो शहर से लोग आए थे? हाँ। मैं तो ये खुशखबरी उस दिन तुम्हें देता, मगर वो शादी की बात पक्की ही करके नहीं गए थे, आज पक्की करके आए। किसकी शादी? तुम्हारी और किसकी? पंडित जी ने अगली पूर्णमासी का लग्न निकाला। बाबू मैं ये शादी नहीं करूंगी। पगली, शादी नहीं करेगी तो सारी जिंदगी मेरे कंधों में बोझ बन के बैठेगी। नहीं बाबू, मैं राजू से। प्रीता, खबरदार जो उस बदमाश का नाम लिया मेरे सामने, सिवा लाठीबाजी की और कुछ जानता ही नहीं। बाबू मैंने उसे वचन दिया है। वचन मैंने भी साहेब बाबू को दिया बेटी, क्या तुम सारी बिरादरी में मेरी पगड़ी उछालना चाहती हो? मैं मरते मर जाऊंगा मगर तेरा हाथ उस बदमाश के हाथ में कभी नहीं दूंगा। बाबू मैं राजू के बगैर नहीं रह सकती। इस घर में जैसा मैं कहूंगा वैसा हो। आज तक मैं तुम्हारी हर बात मानती आई हूं, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। मैं राजू से प्यार करती हूँ, अगर शादी करूंगी तो सिर्फ उससे करूंगी। तो फिर सोच लो, मुझे भी सदाशिव की तरह अपनी जान देना पड़ेगा। बाबू आप, दीदी ये आपने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? तुमने झूठ बोला है राजू को, राजू को पता चलेगा तो क्या सोचेगा?
गीता तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं जानती संसार क्या होता है, समाज क्या होता है, बिरादरी क्या होती है। क्या मैं बापू को नाराज कर देती? क्या मैं उन्हें सदाशिव की तरह खुदकुशी करने पर मजबूर कर देती? फिर तुम उसे मिला क्यों करती थी? ये शादी नहीं हो सकती। पर शादी तो हो चुकी भैया। वो जमाने लत गए पंडित, जब एक लड़की को गाय की तरह किसी भी खूंटे से बांध दिया जाता था। ये कौन है गुंडा? रामचार जी। गुंडा तेरा बाप। राजू, ये बात आप क्या बताएंगे? प्रीता से पूछिए। प्रीति क्या बताएगी, मैं बताता हूं। ये वो गुंडा है जिसका काम ही गांव की बहु बेटियों पर कीचड़ उछालना है। इससे पहले के गांव वालों की लाठियां तेरा सर फोड़ दे, चला जा यहां से। चला जाऊंगा राम प्रसाद जी, लेकिन पहले अपने प्यार को नीलाम की सूली से उतार कर। चल प्रीता, चल प्रीता। तो फिर सोच लो, मुझे भी सदाशिव की तरह अपनी जान देना पड़े। मैं तुम्हें नहीं जानती प्रीता। चले जाओ यहां से, भले समाज में मुझे बदनाम करने की कोशिश मत करो। बदनाम तूने आज वफा के नाम को किया है प्रीता, विश्वासघात किया है तूने। तेरी ये बेवफाई की सजा सारी दुनिया भुगतनी पड़ेगी। आज के बाद मेरे लिए एक खिलौना है जिसे सिर्फ खेल के तोड़ दिया जाता है। टंगी साहब, आप इस कुर्सी पर क्यों, क्या हुआ? अब फिर ये जो राय साहब है ना, ये राय साहब ये अपना यार है। क्या यार है जिसको तू बॉस 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 बोलती है? ए जहांगीर साहब, मैं तो भूल ही गई। क्या भूल गई? आज मैंने आपका दुश्मन पकड़ लिया। अरे मेरा दुश्मन पकड़ लिया? नहीं, तुम इधर खड़े लिए। अरे जा लेकर आओ उसको, लेकर आ साले को, आज पकड़ में आया। देखता हूँ बच्चू, आ देखता हूँ, आ जा। साला कितनी दादागिरी कर रहा था, जल्दी लाओ उसको। अरे लेता है इसको साले को मैदान में। अरे वाह तेरी तो। अरे इधर मुंह पर, आपसे आप मिला साले। बहुत खटपट खटपट करता फिर रहा था ऑफिस के अंदर। लेकिन जांगे साहब एक बात पूछूं? अरे तू दस बात पूछनी, आज मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। तूने मेरा काम किया ना, मैं तेरा काम कर डालूंगा। आपको इस चूहे से इतनी नफरत क्यों है? अरे तू क्या इससे मोहब्बत करो? अरे दीवाने, अरे ये बहुत श्रमिक कौम है साले। ये तो जिधर मिले मारो साले, मारो इसको। अरे इसने मेरी जिंदगी तबाह कर डाली। अरे बैठ, मैं तेरे को सुनाता हूं अपनी जिंदगी का एक किस्सा। अरे उधर मुकर लेना, बिल्कुल तेरा वहां पे गोल मटोल चिकना चिकना मेरा भी एक महबूब होता। जानता है एक दिन क्या हो, मेरे को पगड़ा मिला। मैंने इसको तोहफा देने के वास्ते एक नवा साड़ी खरीदा। तो बड़े अरमान से वो लेके गया उसके पास। हम लोग उधर वो रानी का बगीचा है ना, उधर गए ने झाड़ के नीचे बैठ के रोमांस कर रहे थे। मैंने पैकेट बगल में रख दिया, ने ये चूहे ने अपना रोमांस वो पैकेट के साथ कर डाला। मालूम है क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बहुत गजब हुआ। अरे मैंने बड़े शान से वो पैकेट अपनी महबूबा को दिया, उसने झट से खोला, ने सारी निकालनी थी कि चिंदी चिंदी चिंदी। वो दिन के बाद से आज तक वो मेरे को नहीं मिली, नहीं दिखी, और मेरे अरमानों की चिंदी चिंदी हो गई ये सारे चूहे की वजह से। अरे मेरी तेरी चिंदी चिंदी नहीं करूं तो मेरा भी नाम जाएगी दारू वाला नहीं। बड़े मजे में है नी, आए कैसा घूमने लगा, कैसा तेज ले लगा, से झुमकी कटा डालूंगा। अरे इधर देख, अरे आराम से है नी, अरे तेरे कान कटा डालूंगा। ओ जांगी के बच्चे, ये क्या बदतमीजी है? हमने तुम्हें लिफ्ट दे रखी, इसका मतलब ये नहीं तुम हमारी कुर्सी पर बैठो। मैं कुर्सी के ऊपर बैठ गया, आई एम सॉरी बॉस, मैं तो भूल ही गया था ये साला रेंग घुसा है। अपने ऑफिस की फाइल की तलाश में था, देखो पिंजरे में आ गया, बहुत खतरनाक है। और रैट के बच्चे, आज के काम का क्या हुआ? आज के काम का क्या हुआ,
अरे मैं तो भूल ही गया, कालू उधर मेरा वेट कर रहा होगा। मैं जाता हूँ बॉस, ये पकड़ो। आई एम सॉरी बॉस, मैं लेके जाता हूँ। अरे कालू, कालू लीना, मुझे ये दफ्तर में बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। आई वॉन्ट डिसिप्लिन, ओके? आई एम सॉरी सर। अरे मेरे को क्या देख रहा है? उधर देख, ठोटर वाला नवा पंछी मालूम होता है, जाकर खेल ले। अपना खोपड़ी इस्तेमाल नहीं कर रहा, जैसे मैं बोला वैसा करना, समझा? आप समझाए, मैं ना समझू? वो समझदार है, चल अभी जा जल्दी, जा जल्दी। ये ठोटर वाले लोग काहे को आते सिटी के अंदर? भैया यहाँ कोई धर्मशाला मिलेगी? धर्मशाला? जहाँ धर्म ही नहीं वहाँ उसकी शाला कहाँ? यहाँ तो कर्मशालाएं हैं। कर्मशाला? मेरा मतलब है होटल है, क्लब है, बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स हैं। कोई कोई रहने की जगह नहीं मिलेगी? माल पानी कितना है? माल बिना भैया कोई बॉम्बे आता है? टैक्सी। आ गया तुम्हारा ठिकाना, यहां तुम्हारा सारा इंतजाम हो जाएगा। तुम टैक्सी के पैसे मुझे दो और वहां चलकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करके आता हूं। है? अच्छा। मुझे कान करते, मैं सारे इलाके का दादा हूँ। दोस्त, तुम्हारा स्वागत हाथ से किया जाए। दादा, माफ करना। क्या बात है, क्या बात है! गांव की ताकत और शहर का दिमाग अगर एक हो जाए तो क्या नहीं कर सकते। बढ़ाओ दोस्ती का हाथ। ये राजू तो बिल्कुल जेम्स बॉन्ड का माफक दिखता है। डराऊं डराऊं? हाँ जागी था, इसमें कोई शक नहीं। अरे मैं भी डर गया था। अरे उसको जेम्स बॉन्ड बोला तो तू डर गया था, नहीं हो गया था। चल चल, मैं थोड़ी डरता हूँ। आप कैसे डरेंगे, आप तो ठहरे ना बॉस के खास। फिर आ गया ना चमचागिरी के अंदर, तेरे को मालूम मेरे को अपना तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, मैं भी इसकी सिफारिश में राय साहब को फिट करता हूँ। क्या इसका डोटर कुटा बदल यार, क्या गाँव का ये, इसको सूटेड बुटेड बना दे, नहीं चोर बाजार से दिला दे। चोर बाजार? चोर बाजार ऐसा बोल रहा है, तेरे को मालूम ही नहीं है। अरे तू भी तो जैसे ही खरीदता है। चुप यार, ऐसा बोल तो फिर ठीक है। चलो बोलता चोर बाजार ड्रामा करता। अरे सारी दुनिया चोर बाजार हो रही। ये क्या? नई जिंदगी के नए उसूलों में पहला उसूल। क्या मतलब? एक जान, सिर्फ एक बार। अंकल एक बोटली और पांच ग्लास। पागल हो गया? दवाई हो जाएंगे, जिंदगी याद रहोगे। ताकत दी, कमजोरी दी, नजले दी, जुकाम दी, खांसी दी, बुखार दी। बारह रंग, बारह किस्म, बारह इलाज, बारह स्वाद। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े चीमा ने 35 साल तजर्बा करने के बाद दवाई का इलाज किया। लंदन, पेरिस, रोम, इटली, जर्मन, जापान, फ्रांस तो किसी।
आखिर तुम कहना क्या चाहते हो जहांगीर? जेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, टचो, 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 टचो। जेम्स बॉन्ड? क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये है कि जैसे पुलिस वाले लोग अपने पास जेम्स बॉन्ड रखते हैं, अपने जैसे शरीफ लोग की ऐसी तैसी करने के वास्ते, अपन शरीफ लोग भी दो चार जेम्स बॉन्ड पाल लेने के, एक आ गया है पाल लो, मेले पे डेला मारो नी। अरे जहांगीर, आज तेरी खोपड़ी बड़ा काम कर रही है। और आगे ला भी। लेकिन अगर ये जेम्स बॉन्ड कहीं भ्रुकमान निकला तो? अरे से जहांगीर को गंगवा तेल ही बोलना, मैं भी कच्ची गोली नहीं खेले लाऊं, आईज रखता हूं, आईज, आईज, आईज। ठीक है, आज तक तुम्हारी सिलेक्शन कभी गलत नहीं, लेकिन फिर भी इसका टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। हाँ, ये कायदा कानून की बात, अभी जाके साले का टेस्ट लेता हूं मैं, अभी लेता हूं। आप क्या? मेरा गेंदे का फूल, आपका गुलाब का, मेरे गेंदे का, गेंदे का। एक मुट्ठी में दिल, एक मुट्ठी में प्यार, एक आंख में इशारे, एक आंख में करार, मेरे पास है चीजें चार। एक मुट्ठी में दिल, एक मुट्ठी में प्यार, एक मुट्ठी में दिल, हाँ, एक मुट्ठी में प्यार, एक आंख में इशारे, एक आंख में करार, मेरे पास है चीजें चार। बोलो जी लेंगे क्या, आप लेंगे क्या, चारों लेंगे तो फिर ले जाओ। एक मुट्ठी में दिल, एक मुट्ठी में प्यार, एक आंख में इशारे, एक आंख में करार। Thank you.
ऐसा बोलते थे ब्रूट बॉन्ड। अरे ये तो जेम्स बॉन्ड का भी बाप है। जुल्फों की खुशबू बजरी की धार, अल्लर जवानी की खिलती बहार, मेरे पास है चीजें चार, बोलो जी ले। एक मुट्ठी में दिल, एक मुट्ठी में प्यार, एक आँख में इशारे, एक आँख में करार। मेरी आंखी कभी ढोका नहीं खा सकती। मेरी आंखी में क्या गिर गया मेरी आंखी में? प्यार के है वादे मिलन की बहार, मन के ये अरमान ये तन का सिंगार। कहते हैं तुझसे पुकार, कहते हैं तुझसे मेरे पास चीज बोलो जी लेंगे, क्या आप लेंगे, क्या चारों लेंगे, तो फिर ले जा। लो राजू, चेयर्स। राजू हम तुमसे बहुत खुश हैं। हम ही क्या, सभी लोग तुम्हारी बेहद तारीफ करते हैं। ताश खेलना जानते हो? जिंदगी में यही खेल खेलता आया हूं रे साहब। बाजियां जीती हैं या हारी हैं? यूं समझ लीजिए कि ताश की तो हर बाजी जीता हूं, लेकिन जिंदगी की बाजी हार कर आया हूं। जिंदगी में एक ना एक हार बहुत जरूरी है राजू, और हर हार एक नई जीत का पैगाम देती है। मुकाबला कर सकोगे? किससे? प्रिंसेस ऑफ रामनगर। दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी उसके सामने घुटने टेकते हैं और लोग उसे ताश की बेगम के नाम से पुकारते हैं। तो फिर उस बेगम से इस गुलाम का मुकाबला करवा दीजिए। गुलाम नहीं, बादशाह। तुम वहां राजकुमार बनकर जाओगे, राजकुमार ऑफ पन्नापुर स्टेट। Cheers. मामी, चलिए राजकुमार साहब, चलिए, चलिए। हाय हैंसर। राजकुमार ओ पन्नापुर। मैं जाती हूँ। जाती है। तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए, रखिए, रखिए। राजकुमार साहब तशरीफ रख ले हैं, मैं तशरीफ रख दी। क्या पसंद करेंगे आप? अरे उनका पसंद है आपका पसंद, आपका पसंद है उनका पसंद, पसंद पसंद। वेरी गुड, वेरी गुड। स्कॉच? छह ग्लास। एक ग्लास मेरे वास्ते भी। नहीं, मैं तो पीता ही हूँ, मैं तो पीता ही नहीं हूँ। ये छह ग्लास क्यों राजकुमार? मैं एक जाम सिर्फ एक बार इस्तेमाल करता हूँ। बड़ा निराला शौक है। शौक और उसूल हमेशा निराले ही होना चाहिए। राजकुमार साहब क्या निराली बात कर रही है, निराले होते हैं। ऐसे भी क्या जल्दी है? मैं देर का आदी नहीं। तो फिर आप ही बांटिए। ओके। वही बांटेंगे। एक नो, एक नो, एक नो। क्या सच के बरात आ रही है? एक दूल्हा ने एक दुल्हन ने साथ में ग्लास बराती। आप जाओ, मैं चलूंगा। अरे वाह, नहीं नहीं बोतल खोलो तो क्या आवाज आती है। ये चाल मेरी 5000 की। पेट लो, पेट लो, पेट लो। 10000।
पियो, ये लो ये लो। टैंक बनाओ सोने में या पानी में। मैडम प्रिंसेस आजकल के टाइम में हर चीज के अंदर मिक्सिंग चल रहा है ना, आप दारू के अंदर भी मिक्सिंग करेंगे तो पीने वालों को क्या होगा? अरे नीट डोरी खाली से एकदम नीट। नहीं खाली मेरे वास्ते नीट नीट। इधर भी ये रोमांटिक पोज में, आई मीन मेरा एक अर्जेंट मीटिंग आया है, मैं अभी आता हूँ। अरे रानी, अच्छा आई एम कमिंग। अरे तेरी पूरा घुस गया। अरे मारा बाप ये चूहा पता नहीं क्या क्या करवाएगा मेरे को, झूठे पड़ते थे अभी। कोई बात नहीं बच्चू, एक कंडेंसर रूम में निकलेगा तो इधर से ही निकलेगा ना, मैं खड़े लाऊ तेरी जो। आप ही की जरा नवाजी है। ये 5,000 की ब्लैंक दस हजार की चाल 10, 20, 30, 40 हजार की चाल 40,000 का शुरू। हाँ, एक जाम सिर्फ एक बार। प्यार किया है कभी? प्यार पुरानी बात हो गई है। तो नई बात क्या है? प्यास लगती है बुझा लेते हैं। और कौन से खेल जानते हैं आप? जो सामने वाला खेल। आपसे तो अब डर लगने लगा। आज मेरे को इतना चक्री दिलाया, इतना चक्री दिया कि मेरे को चक्रम बना दिया। मैंने जोश जोश में एक छोकरे के बेडरूम में घुस गया। और ये छोकरे लोग भी देखो यार आजकल की, अरे बाबा बेडरूम के अंदर कुछ भी करो नहीं पर अंदर से दरवाजा तो बंद था। अरे मेरे जैसा गरीब आदमी फंस जाता था। अरे वो तो फिरियत हो गई तो आईना बीच में आ गया। आईने के अंदर देखा, आईने के अंदर से छोकरी ने मेरे को नहीं देखा। अगर वो मेरे को देखती तो छोटी, अरे इतने झूठे मारती वो तो खैरियत हो गई कि मेरे को मेरी आबरू का ख्याल आ गया। मैंने अपनी धूम दबा के ने दुए के पीछे भागा मत डाला और मेरे को मिला नहीं हरामी मिलता। अरे यार थोड़ी सी मदद की जरूरत थी, अगर तू होता ना तो मैं साले का खटुमर बना डालता।
मगर यार आज तू मेरे से वादा कर कि उस होटल में अपन जाएंगे, नहीं तू मेरे साथ में जाएगा। बोल, वादा करता है। बोल यार। अरे शेखन, गुड, अभी तुम जाओ। हाँ, गुड नाइट। वेरी गुड। देखो बाजू की कुटिया से नींद नहीं लड़ाना। अरे आज भी हाथ से निकल गए। चलो अच्छा होगा, प्रिंसेस के मिल जाने से शायद तुम्हारी जिंदगी में भी कोई मोड़ आ जाए। मैं वो रास्ता हो रहा है साहब जो ऐसे मोड़ों पर मुड़ सकता है लेकिन रुक नहीं सकता। इसका मतलब है सिर्फ इंग्लिश वाला। जहांगीर, यस, तुम बोलने से बात नहीं आ सकते क्या? मैं कुछ गलत बोला? नहीं बोलता, नहीं बोलता। राजू तुमने ठीक कहा, मेरा भी जिंदगी में यही असूल रहा। अगर तुम भी इन असूलों पर चलते रहे तो दुनिया की हर कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। गॉड ब्लेस यू। हाय प्रिंस, आए नहीं तुम? मैंने कहा था ना प्रिंसेस, मैं मुस्तकिल तौर पर किसी के साथ नाता नहीं जोड़ता। डॉक्टर, बच्ची पैदा हुई है लेकिन मदर का कंडीशन बहुत सीरियस है। प्रीता, 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 मुझे माफ करना, मेरी बच्ची का नाम राधा रखना, उसे पढ़ाना लिखाना और उसे डॉक्टर बनाना। नहीं प्रीता, तुम उसे पढ़ाओगी लिखाओगी, तुम उसे डॉक्टर बनाओगी प्रीता, तुम बनाओगी, तुम। हाँ मैं, हाँ प्रीता, हाँ प्रीता, प्रीता। मेरा तो विचार था इस नन्ही बच्ची को अपने साथ गांव ले जाता, इसकी देखभाल कौन करेगा बेटे? आपका कहना सही है बापू, लेकिन प्रीता की ख्वाहिश थी राधा को पढ़ा लिखा जाए, उसे डॉक्टर या वकील बनाया जाए। मैं तो चाहता हूँ आप यहीं रह जाते, फिर गीता की पढ़ाई भी हो जाती और आपका साथ भी मेरे सर पे बना रहता। देखा बाबू, दोनों को एक दूसरे की कितनी जरूरत है। प्रीता मेरी बच्ची, कितनी जिम्मेदारियां छोड़ गई हो तुम हमारे कंधों पर। बापू, राजू मैं अब थक गया, सोचता हूं कि रिटायर हो जाऊं और जिंदगी के बाकी दिन किसी पहाड़ पर जाकर गुजारूं। लेकिन राय साहब, यहां का क्या होगा? तुम जो हो। जी मैं? भला इतना बड़ा कारोबार मैं? राजू आज तुम्हें अकेले बुलाने का यहां कारण यही है। मैं चाहता हूं फिलहाल, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए ये सारा कारोबार तुम्हें सौंप दूं। जी हाँ राजू, तुम में वो सारी खूबियां हैं जो कि एक जिम्मेदार इंसान में होनी चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें अपना जानशीन चुना है। लेकिन राय साहब, आपकी कोई औलाद या? अव्वल तो हम जैसा आदमी शादी नहीं करता, और अगर करता है कोई बाप नहीं चाहता कि उसकी औलाद भी वही काम करे जो कि वो खुद करता रहा है। जैसे कि कोई वैश्या नहीं चाहती कि उसकी बेटी भी वैश्या बने। अक्सर हमारा जानशीन बाहर से आता है। जो कुछ मैं तुम्हें आज सौंप रहा हूं ये सब कुछ मुझे भी किसी ने एक दिन सौंपा था, लेकिन एक बात याद रखना, अपने असूलों पर कायम रहना। आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर है। मैं आई कमी सर। गुड मॉर्निंग राय साहब। राय साहब को ये फूल बहुत पसंद है।
ये ड्यूटी उन्होंने मुझे सौंप रखी थी। फूल तो कुछ पल में मुरझा जाते हैं लीना। गली गली के हर
पर मेरी है पर मेरी गली में सैया रात को न आना, है रात को न आना मुलाकात को न आना, रात को न आना मुलाकात को न आना। अगर तू मुझसे दूर है इसमें कोई बात तो जरूर है, रात भर जुदाई का ना गम करो, दिन तो सारा आपका हुजूर है। रात को अगर तू मुझसे दूर है, रात का अपना बदला इरादा, दिन का मुझसे ले लो वादा। और मेरी है और मेरी गली में सैया रात को न आना, है रात को न आना मुलाकात को न आना, रात को न आना मुलाकात। तेरी मान जाओ, बेटी के पास चले जाओ, शहर में इलाज बिलाज। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो जमुना दास, राम राम राम, बाप और बेटी के घर जाकर ना, ना ना, अरे ये तो मेरी किस्मत अच्छी कि जमाई राज ने गीता बेटी को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया। लाला जी आपकी चिट्ठी लाओ भाई। राम प्रसाद जी देखो तो किसकी चिट्ठी आई है। अरे जमाई राज के अलावा मुझे और कौन चिट्ठियां लिखता है। पूज्य बापू जी चरण वंदना, बहुत दिनों से आपकी कोई खबर ना मिलने से दिल उदास था, और गीता और राधा तो आपको बहुत याद करती हैं। अगर कुछ दिनों के लिए आप यहाँ आ जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। अरे जग्गू जमाई राज भी बुला रहे हैं, आपकी गीता और राधा बेटी की तस्वीरें आपको भेज रहा हूँ। अरे तस्वीरें भी भेजी हैं क्या? हाँ 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 गीता राधा। अरे राम प्रसाद ये राधा कौन है? अरे कन्हैया प्रीतो की बेटी राधा। ये गीत, अरे ये प्रीतो की तरह लग रही है। अरे कितनी प्यारी प्यारी, अरे वही मुस्कुराहट। आज प्रीतो संध्या होती तो कितना खुश होती, कितना खुश होती इन्हें देख के। अरे कितनी बड़ी हो गई रितु, कितनी बड़ी हो गई। ये छोटी गीता ये बड़ी, अरे कितनी शक्ल मिलती है प्रीतो से रे, बिल्कुल एक जैसी लगती है दोनों बहने। क्या तूने कभी किसी से प्यार किया है? यसफ यसफ Oh.
तुम मैं हमारे बेटे का क्या मैं पूछती हूँ ये महिला आश्रम बेसहारा औरतों को सहारा देने के लिए है या मर्दों की काली करतूतों पर पर्दा डालने के लिए दीदी आप सच मानिए इसमें मेरा कोई दोष नहीं तुम्हारा दोष नहीं तो फिर किसका दोष है अगर तुम अपने आप को मर्द के हवाले न करो तो मर्द की क्या मजाल जो तुम्हें खिलौना समझे ये मत भूलो कि आज का जमाना बदल गया है और अब औरत इतनी कमजोर नहीं जितनी 18वीं सदी में थी मैंने भी तो औरत के रूप में जन्म लिया है मैं भी जवान हूँ खूबसूरत हूँ लेकिन आज तक किसी ने मुझ पर डोरे डालने की कोशिश नहीं की इसलिए कि इंसान अपना बचाव आप करता है दीदी औरत की सबसे बड़ी दौलत उसकी अजमत होती है और फिर मेरे साथ तो धोखा किया गया उस कमबख्त ने मेरी और मेरी घर वालों की गरीबी पर पहले तो अनगिनत एहसान किया और जब उसके एहसानों तले दबने के बाद भी मैंने उसे अपने आप को नहीं सौंपा तो उसने एक जबरदस्त नाटक किया मुझसे शादी रचानी चाहिए मंगनी की रस्म भी अदा की गई हमारी शादी की तारीख भी तय हो गई लेकिन लेकिन शादी से पहले एक दिन अब आप ही बताइए दीदी ये आदमी चेहरे से शरीफ नहीं लगता तेरी बेवफाई की सजा सारी दुनिया को भुगतनी पड़ेगी आज के बाद मेरे लिए हर चीज एक खिलौना है जिसे खेल के तोड़ दिया जाता है राजू चलो तुम्हें आज आंटी से मिलाती हूँ आंटी से ना बाबा ना क्यों डर लगता है क्या डर तो नहीं लगता लेकिन सोचता हूँ अगर तुम मुझे अपनी आंटी से मिलाओगी ना कहीं मेरा तुमसे मिलना ना बंद करा दे ना बाबा ना फिर तो मैं तुम्हें नहीं मिलाऊंगी श्याम जब मैं स्कूल जाती हूँ ना वहाँ भी बस तुम्हारे बारे में ध्यान लगा रहता है मेरे भी कुछ ऐसी हालत है राधा ऐसा क्यों होता है श्याम ये शायद एक किस्म की बीमारी है राधा बापरे फिर तो मैं तुम्हें आंटी से जरूर मिलाऊंगी क्यों हाँ जब वो आश्रम से आती है ना तो घर में डॉक्टर भी करती है डॉक्टर हाँ फिर तो मैं उनसे नहीं मिलूंगा क्यों क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उन्हें हमारी बीमारी का पता चल जाए छी अच्छा राधा टाटा ओ दादा आप आइए हाँ बेटी अचानक आना पड़ा बैठे कुछ खास बात है हाँ तुम्हें कल पूना जाना पड़ेगा 15-20 दिन के लिए पूना क्यों वहाँ एक नया महिला आश्रम खुला गया है जिसकी देखभाल तुम्हें सौंप दी गई लेकिन यहाँ यहाँ तो सब ठीक ठाक है वहाँ हर काम नए सिरे से करना होगा क्या मैं कर सकूंगी जरूर कर सकोगी इस वक्त तो मेरी नजर में तुमसे बेहतर सुपरवाइजर और नहीं है ठीक है जैसे आप कहते हैं अच्छा मैं चलता हूँ अभी टेप रिकॉर्डर के मैं भर के रूम के काम हो गया बोला ना हो गया हो गया हो गया बाबा राय साहब ऑफिस में है राय साहब ऑफिस में है लेकिन आप ऑफिस में काहे को है भाई हम जरा उनसे चंदे के बारे में बात करना चाहते हैं चंदा अरे चंदा का तुम लोगों का धंधा बन गया है अरे दरबान ये गले में काहे को फंदा डाल तू हम लोग आश्रम से आए अरे आश्रम से भी लोग तरीके से आते हैं बंसरी बजा के आते हैं बैंड बजा के आते हैं तुम्हारा कौन सा ऐलान है अनाथ आश्रम से नहीं महिला आश्रम से आए अरे महिला 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 आश्रम अरे महिला लोग भी आए क्या मैं आता हूँ महिला आश्रम से एक आदमी ने दो भाई लोग आई है भेजू सेंड देम या 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 आई गेट यू ओके ओके फरमाइए क्या सेवा की जाए आप लोगों की जी हम लोग अपने महिला आश्रम के लिए एक शो कर रहे हैं ताकि इस आमदनी से समाज की ठुकराई हुई चंद लड़कियों की शादी हो सके वेरी गुड ऐसे लोगों की मदद करना हमारा फर्ज है धन्यवाद राय साहब
हमारी ओर से एक ही प्रार्थना है, आप जरूर शो में आइएगा। शाम सलोना मैं हूँ गोरी, लड़के नैना चोरी चोरी, इन्हीं आके जरा समझाना कि राधा जी ना लगे ना लगे ना लगे, हाय हाय जी ना लगे। शाम सलोना मैं हूँ गोरी, लड़के नैना चोरी चोरी, इन्हीं आके जरा समझाना कि राधा का जी ना लगे ना लगे ना लगे, हाय हाय जी ना लगे। शाम सलोना मैं हूँ गोरी। कैसा लगा ये प्रोग्राम राय साहब? बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे। मैनेजर साहब, हमें चाहते हैं कि हमारी तरफ से आपको एक छोटा सा तोहफा पेश करें, जहांगीर, वो 25,000 का चेक। अभी देता हूं। इससे पहले भी तो आप दे चुके हैं। मैनेजर साहब, ऐसे नेक कामों के लिए जितना भी दिया जाए उतना कम है। बहुत धर्मात्मा है। धन्यवाद राय साहब। हमें चाहते हैं कि जिस लड़की ने आज अपनी कला का प्रदर्शन किया है
उसे यह मौका दिया जाए कि वो अपनी कला को ज्यादा से ज्यादा निखार सके और इसकी जिम्मेदारी हम खुद लेना चाहते हैं। राय साहब का मतलब ये है कि छोकरी बड़े बड़े लोग में रहेगी तो बड़ी बड़ी पब्लिसिटी होगी, लेकिन छोकरी की लाइफ बन जाएगी। अभी आप समझो नहीं है? लेकिन ये लड़की इस आश्रम की नहीं, इसके लिए मुझे इसके घर वालों से पूछना पड़ेगा। जरूर जरूर, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जहांगीर आपसे फिर मिलेंगे। नमस्ते। थैंक यू साहब जी। हाँ, कितना महान और धर्मात्मा आदमी है। लेकिन दादा, ये राय साहब कौन है, कैसे हैं? वो सिर्फ नाम के राय साहब नहीं, हर साल सबसे ज्यादा चंदा महिला आश्रम को उन्हीं की तरफ से मिलता है। और सिर्फ महिला आश्रम क्या, न जाने कितनी यतीमखाने, हॉस्पिटल, स्कूल उन्हीं के नाम से चलते हैं। वो सब ठीक है, लेकिन दादा आप ही बताइए, क्या मैं राधा को इतनी दूर छोड़कर अकेली रह सकूंगी? लो लोग अपनी औलाद अपने भाई बहन को ऊंची तालीम दिलाने के लिए सात समुंदर पार भेज देते हैं। ये तो सिर्फ एक ही शहर की बात है। और फिर मैं ये सोचता था कि तुमने जो अपनी भांजी के भविष्य के लिए इतने सपने जो सजा रखे हैं, दिन रात मेहनत कर रही हो सकता है तुम्हारी आशाओं को पूरा करने के लिए भगवान ने राय साहब के मन में ये बात डाल दी हो। ठीक है दादा, आप बड़े हैं, आप जैसे मुनासिब समझे कीजिए। मैं राधा को चिट्ठी लिख देती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। शाम शाम। आ गई तुम। मैं तो समझा था कि शायद अमीरी की झलक देखकर गरीब की याद भी दिल से उतर गई होगी। अरे तुम खुश नहीं हो? आंटी तो बहुत खुश है। लिखा है राय साहब के पास बहुत बड़ा बंगला है, बहुत सारे नौकर चाकर हैं और लंबी लंबी गाड़ियां हैं। हम दोनों ठाट से घुमा करेंगे। ठाट से घुमा करेंगे। तो क्या राय साहब हम दोनों को मिलने देंगे? राय साहब सुना है बहुत अच्छे आदमी है। तुम बड़े लोगों को नहीं जानती राधा, वो लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ। अरे मैं उनकी बंदी थोड़ी हूँ, मैं तो अपनी आंटी के कहने से जा रही हूँ। ठीक है राधा, मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता, क्योंकि ना तो मेरे पास बड़ा बंगला है, ना ही नौकर चाकर और ना ही लंबी लंबी गाड़ियां। राय साहब आ रहे। वेलकम। आप राय साहब हैं? मैंने सुना था राय साहब लोग बहुत बूढ़े होते हैं, लेकिन आप इतने बूढ़े नहीं हैं। हाँ थैंक यू। आओ तुम्हें तुम्हारा घर दिखाए। मेरा घर? आज से यहाँ की हर चीज तुम्हारी है। आओ। ये तुम्हारा ड्राइंग रूम है। ठहरिए। ये क्या कर रही हो? चप्पल उतार लो। क्यों? ये गंदा हो जाएगा ना। तो क्या हुआ, दूसरा बिछ जाएगा। और भी है आपके पास? बहुत सारे हैं। एक तुम्हारे बेडरूम में भी है, देखोगी? हाँ, चलिए ना। बाप रे, इतना बड़ा घर है तुम्हारा, नीचे भी ऊपर भी। पसंद आया? बहुत। गुड, चल चल। उधर ये रहा तुम्हारा बेडरूम। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। कितना मुलायम है ये, मुझे तो नींद आ रही है। पहले नाश्ता कर लो, फिर सो जाना। अच्छा चलिए, चल बैठो। इतना सारा नाश्ता? ये सब तुम्हारे लिए है। साहब आपका फोन। एक्सक्यूज मी। हेलो, आज से रूम नंबर 302 में ताला लगा दो, समझे?
श्यामू। जी शाह। आज से हम सिर्फ एक ग्लास इस्तेमाल करेंगे। जी। हाँ श्यामू, आज से कोई ग्लास नहीं टूटेगा। अच्छा श्याम। अब मैं अपनी पिछली जिंदगी से थक गया हूं, जिसमें हर शाम को एक नया जुआर आता था। अब मुझे सागर की हलचल नहीं, झील का ठहराव चाहिए। पन अभी तो एकदम नाबालिग है। मैं उसके बालिग होने का इंतजार करूंगा जहांगीर। जिस दिन वो 18 साल की हो जाएगी उस दिन। अरे इतना मजबूत है दादा, तब तो मेरी तरफ से एडवांस में मुबारकबाद कबूल करिए। क्या बात है। श्याम साहब। वादा कहा है? जी अंदर है। श्याम तुम गाड़ी से सामान निकालो। बहुत अच्छा श्याम। राधा ये क्या है? इस घर में सब कुछ था राय साहब, सिर्फ भगवान की गद्दी नहीं थी। चलो आओ देखो तुम्हारे लिए हम क्या लाए। मेरे लिए? बाप रे, लगता है आप सारी दुकान उठा लाए। ये तो कुछ भी नहीं। और भी है? बताइए। बताइए ना। घड़ी कितनी चमकदार है। ये सब हीरे है ना? आप कितने अच्छे हैं राय साहब। राय साहब मैं कल घर आऊं, ये सब मैं अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी। अच्छा। राधा, राधा को देखे आज 20 दिन हो गए। आंटी, ओ राधा। लो, कितनी बड़ी उम्र है, नाम लिया और आगे। आंटी ये देखो मेरी हीरे की घड़ी, और बाहर मेरी कार भी खड़ी है। रायता तुम्हें बहुत प्यार करते हैं ना? बहुत, एकदम तुम्हारी तरह मेरा ख्याल रखते हैं। आंटी मैं अपनी सहेली से मिला। अरे अभी तो आई हो, थोड़ी देर बैठो, 2 मिनट में आऊंगी आंटी। अच्छा जल्दी आ जाना। देखा, सोचिए, सब आपका आशीर्वाद है। और जब शाम मुरली की तान छेड़ता था तो उसकी आवाज सुनकर राधा रुक न पाती, और शाम शाम कहते हुए छम से उसके पास। शाम शाम राधा। मास्टर जी यही हूँ मैं, वो राधा। हाँ बच्चों, मैं ही राधा हूँ। जाओ जाओ, तुम्हारी छुट्टी होगी। राधा दीदी तुम रोज आया करो। क्यों? हमें छुट्टी मिल जाएगी। चल भाग।
पढ़ाई में ध्यान नहीं, छुट्टी की फिक्र रहती। अंदर आओ ना राधा। अरे अब आओ भी। ड्राइवर चलो। तुम राय साहब को नहीं जानते, देवता आदमी है। राय साहब मैं आ गई। कितना बजाए घड़ी में? जी नौ। आज पूरे महीने को घड़ी दिखा कर आई हूँ। तुम्हें मालूम है अकेले इस वक्त बाहर नहीं रहना चाहिए। जी मैं अकेली नहीं थी, वो शाम था मेरे साथ। शाम? कौन शाम? मेरे महल में रहता है, कॉलेज में पढ़ता है। बेचारा अपनी फीस के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। कोई भी हो, ये मत भूलो राधा कि अब तुम्हारा ताल्लुक एक बड़े खानदान से है और तुम्हारा किसी भी छोटे आदमी से मिलना ठीक नहीं। आइंदा इस बात का ख्याल रहे। राय साहब ठीक बोल रहे थे। छोड़ो ना काका, तुम फिल्म नहीं देखते क्या? नहीं नहीं। अरे हर लड़की के घर वाले यही बोलते हैं। अच्छा? मैं चुपके चुपके मिलाया करूंगी, तुम राय साहब से नहीं बोलना। हाँ वो क्यों भाई? नहीं बोलना। दीदी दीदी ये तुमने क्या किया? क्या किया? राधा को दरिंदे के हवाले कर दिया। दरिंदा? हाँ दीदी, वही राय साहब राजू। राजू? दीदी उसी दरिंदे ने तो राय साहब का चोला पहन रखा है। नहीं मैं जानती हूँ, राजू इतना बुरा आदमी नहीं है। हालात ने उसे बुरा आदमी बना दिया है, लेकिन फिर भी राधा का वहां जाना अच्छा नहीं था। क्या होगा? राधा राधा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। मेरे लिए? आओ ना। कितनी अच्छी साड़ी है ये। पसंद है ना तुम्हें? हाँ राय साहब, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं, आज से मैं आपको डैडी कहा करूंगी। खबरदार जो मुझे डैडी कहा। तो फिर क्या कहूँ? राय साहब जो आज तक कहती आई हो, समझी? कौन सा रिश्ता तय किया तुमने मेरा राय साहब के साथ? राधा क्या लगती हूँ मैं उनकी माँ बहन बेटी बीवी? आज से तू वहां नहीं जाएगी राधा। मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए आंटी। अनजाने में मुझसे भूल हो गई राधा, काश मुझे मालूम होता ये राय सब वही राजू है। राजू? कौन राजू? दीदी और राजू दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन दीदी ने खानदान की इज्जत के लिए अपने अरमानों का गला घोंट दिया और जीजा जी से शादी कर ली, और राजू सारी दुनिया के लोगों का दुश्मन बन गया। लेकिन उसने कभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। महिला आश्रम के प्रोग्राम में उसने तुझमें दीदी की झलक देखी होगी, और शायद शायद नहीं ये सच है। दादा? हाँ बेटी, वो अपनी पिछली जिंदगी से थक चुका है, अब वो राधा से शादी करना चाहता है। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, आप ये सब जानते हैं। मुझे भी तो अभी अभी उसकी सेक्रेटरी से पता चला है। आंटी मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपनी माँ के नाम पे लगे हुए कलंक को धो सकूं। हाँ आंटी, मुझे पालने की चाहत में वो एक इंसान बन गया है, और अगर उसे मुझसे भी सहारा ना मिला तो माँ के छोड़ने के बाद वो एक दरिंदा बन गया था, और अगर मैं भी उसकी जिंदगी से चली गई तो वो एक राक्षस बन जाएगा। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ आंटी, माँ ने अपनी खानदान की इज्जत बचाने के लिए अपने अरमानों को भेंट चढ़ा दिया था, और मैं भी उसी माँ की बेटी हूँ, अपने अरमानों को उन्हें सुधारने के लिए फिर चढ़ा दूंगी। राधा मुझे आशीर्वाद दो आंटी। दादा इतने रोके ना आप। आज तुमने कैसे तकलीफ की राय साहब? मुझे भी तो सेवा का मौका दीजिए।
बीबी जी आपका फोन। अभी आई हाँ। हेलो। हेलो राधा, मैं श्याम बोल रहा हूँ। श्याम, आज तो मुझे फोन नहीं करोगे। लेकिन क्यों? और मिलने की कोशिश भी नहीं करोगे? राधा, कल तक मैं अपना बुरा भला नहीं सोच सकती थी, लेकिन आज। सच पूछो तो ये बात की खुशी आज से जास्ती मेरे को हो रही है। तुम्हें क्यों? अरे मेरे बरसों की तमन्ना थी कि मैं आपके सर पर तेरा बनेला देखूं। ईमान से आप बोलते थे ना आपकी जिंदगी बिखरे लिए, अभी किसी की हसीन बाहों में सिमट जाएगी। मुझे अपनी माँ के माथे पर लगे हुए कलम को धोना होगा, अपना प्यार, अपना आप सब कुछ कुर्बान करना होगा। रामू जी, आज आप जल्दी आ गए। क्या करूं, तुम्हारे बगैर ऑफिस में दिल नहीं लग रहा था। आपके लिए चाय लाऊं? चाय? जी समझ गई। बज गए, ऑफिस नहीं जाना है क्या? आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। क्यों? आज शाम को तुम्हारी बर्थडे पार्टी है ना। पहले क्यों नहीं बताया? पहले कभी आपसे मिलने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा मैं देखती हूँ, कहीं दूसरा राज्य पैदा ना हो जाए। ये सब जानकर भी आप खामोश हैं दीदी? मेरे तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। एक तरफ राधा की जिद है जो अपने आप को उसे सुधारने के लिए कुर्बान कर देना चाहती है, दूसरी तरफ शाम, अगर उसे राधा का प्यार नहीं मिल सका तो वो भी राक्षस बन जाएगा। दीदी आप निराश हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? आप ही ने तो कहा था कि अन्याय का मुकाबला करना चाहिए। हम राय साहब के बच्चे की फोल खोल के रख देंगे, हम ये शादी नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। कौन हो तुम? तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे ख्याल में तुम इन सब का पहचानने में इनकार नहीं करोगे। अगर करोगे भी तो मैं करने नहीं दूंगा।
ये लीना है, तुम्हारे ऑफिस की सेक्रेटरी। So what? कहते हैं मालिक माँ बाप होता है, अन्नदाता होता है, जो अपने नौकर की इज्जत बचाने के लिए अपनी दौलत तक लुटा देता है। मगर तुमने अपनी दौलत का सहारा लेकर कई बेसहारों को तंग किया। काश मुझ में शराफत छोड़कर तुम्हें गाली देने की हिम्मत होती तो जानते हो मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारता? क्या? ये तुम अपने मुंह से कह लो, क्योंकि मैंने अभी तक शराफत नहीं छोड़ी। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन सभी जिंदगियों को तबाह करने के इल्जाम में तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। मैं समझता हूं तुम्हारा और इन सब लड़कियों का मुंह बंद करने के लिए रुपया काफी होगा। मिस्टर राजू, रावण के पास सोने की पूरी लंका थी, जब वो एक सीता का मुंह बंद न कर सका, आज तुम इतने लोगों की जुबान कैसे बंद कर सकोगे? मेरे पास इस रुपए के सिवा कुछ भी नहीं है, अगर जरूरत है तो ले जाओ, वरना 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 क्या घर से निकाल दोगे? यही ना। लेकिन तुम इतना जान लो कि वक्त बदल चुका है और आज के इस वक्त में जनता का राज है। बेहतर होगा कि अभी संभल जाओ, वरना ऐसा ना हो कि सब लोग मिलकर तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी को जलाकर राख कर दे। I say get up. ओके, बाय बाय। बर्थडे पार्टी के साथ में खुशखबरी भी है, हमारे राय साहब की शादी में खाना बर्बाद ही होने वाली है। अरे वाकई? अरे क्या बात करता है, खाना बात ही, I'm sorry, मेरा मतलब है कि खाना आबाद ही होने वाली है, यानी कि फैमिली प्लानिंग। अरे कितने बजे, बड़ी कौन से हाल में? अरे यार ये तो मेरे को भी नहीं मालूम है, कुछ चुपचाप प्राइवेटली काम हो रहा है। अरे कमाल है, इतने बड़े आदमी का शादी, नो इन्विटेशन, नो बड़ी काट। अरे चलो चलो, दूसरा फोन आया। हाँ चल जाओ, छह नजर। हाँ हेलो, हाँ शादी हो रही है? हाँ हाँ शादी हो रही है, और ऐसे वीआईपी लोग का जन्म मरण पैदाइश वगैरह सब वीआईपी स्टाइल में होती है, उसके अंदर वीआईपी लोग ही शामिल होते हैं, जैसे कि खास खास लोग हैं। बट वेरी जहांगीर बाबा। अरे जिधर नो जहां उधर जहांगीर, अगले जहांगीरी। वो फिल्म देखा था? अरे यार फिल्म से बात याद आई, फंस गया। वो फिल्म का वो जो डांसर है ना मशहूर, क्या नाम उसका, हेलन, हेलन पार्टी में डांस करने वाली। हेलन? ओए हेलन आ रहा है। अरे बड़ी वो कैसा डांस करती है, तुम चले ना। अरे कट्टू मल, बगल में कोई खटाई बैठी ली, किधर चले ले जा रहे हो उसको? चलेंगे पार्टी में। हेलो, अरे बड़ी तुम कब चाची कर रहा है? कट्टू मल की क्या हुआ? अरे क्या हो क्या बड़ी? अरे बुलू, हेलो, ये बात आज करनी थी। अबे टेलीफोन में से तीर मार दिया, मेरे को मेरी सिविन भाई याद आ गई। मैं साला आज रात को वो चूहा जरूर आएगा जिसने वो सारी चिंदी चिंदी की थी। मैं भी साले को आज पाप के अंदर नहीं मारा तो मेरा नाम भी जागी नहीं। अरे बाबा मेरा शादी नहीं है, राय साहब का शादी है। हेलन भाई का डांस पूरे अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। हाँ जी मेरा शादी नहीं है, अंदर चलो, अंदर डांस है। इसको बोलो मेरा शादी हो रहा है, डांस अंदर हो रहा है, मैं बात कर रहा हूँ। अंदर जागी तेरे नाम आज के मान
अन्याय है और हम तुम्हें इस अन्याय के आगे माथा टेकने नहीं देंगी। तुम कौन होती मेरी जाति मामलात में दखल देने वाली? कान खोलकर सुन लो, मैं बालिक हूँ, मुझ पर किसी का जोर दबाव नहीं चल सकता। ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, समझी? कमाल है, हम तो इसके भले के लिए आए थे, खुद ही मना करे तो मरे, हमें क्या करना है? चलो चलो सब जाएंगे यहाँ से। मैं भी पुलिस को फोन करता हूं।
प्रीता? प्रीता नहीं, गीता। याद नहीं तुम्हारे प्यार की पहरेदार गीता? तुम यहां क्यों आई हो? मुबारकबाद देने। थैंक यू, तुम जा सकती हो। जाने से पहले मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, तुम जिससे शादी कर रहे हो जानते हो कौन है? जानता हूँ, राधा से। लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते कि राधा प्रीता की बेटी है। So what? राधा प्रीता की बेटी है, मेरी तो नहीं। पत्नी और प्रेमिका में ज्यादा फर्क नहीं होता राजू, राधा प्रीता की बेटी है, इसलिए तुमने उसमें प्रीता की झलक देखी और अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देना चाहा। लेकिन क्या कभी तुमने ये भी सोचा है कि राधा के साथ तुम वो सलूक क्यों न कर पाए जो तुम दूसरी अनगिनत लड़कियों के साथ करते आए हो? इसलिए कि राधा प्रीता की बेटी है और प्रीता की बेटी तुम्हारी बेटी है, जिसे तुम नहीं लेकिन तुम्हारे अंदर का राजू जानता था। बोलो, जवाब दो, बोलते क्यों नहीं? Get out. I say get out. मेरी बेटी की बर्बादी की जिम्मेदार तुम। मैंने तो चाहा था कि वो रुक जाए लेकिन वो रुकी नहीं। राधा के अंदर राजू ने तुम्हारी झलक देखी, तेरी शक्ल तो खूब बहु मुझसे निकली, तो खुद उसके सामने क्यों नहीं जाती? तुझे देखकर वो राधा को भूल सकता है? भूल सकता है, हाँ भूल सकता है। जब राधा अपने आप को उसे सुधारने के लिए कुर्बान कर सकती है तो क्या तू राधा के लिए अपने आप को कुर्बान नहीं कर सकती? दीदी बोल, कुर्बान नहीं कर सकती दीदी, कुर्बान नहीं कर सकती दीदी। राधा। हाँ राधा, सचमुच राय साहब बहुत महान है। मैं अपने कमरे में बैठा अपनी किस्मत पर मातम कर रहा था कि अचानक राय साहब पिछले दरवाजे से मेरे पास आए और कहा, श्याम तुम्हारी शादी है और तुम यहां, और मुझे अपने साथ ले गए, अपने हाथों से सहरा बांधा और मुझे वेदी की तरफ ढकेल दिया। राय साहब कहाँ है? वो नीचे होंगे। Thank you.
तुमने मुझे पापों के गढ़े में ढकेल दिया था, लेकिन तुमने तुमने मुझे बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मैं जानती हूं राजन, तुम भटक गए थे। हाँ गीता, मैं भटक गया था। अब मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा, अपने आप को कानून के हवाले करना होगा। खैर, रात बहुत हो चुकी है, मैं जहांगीर से कहता हूं कि तुम्हें घर छोड़ा है। नहीं राजू, अगर मैं चली गई तो तुम फिर भटक जाओगे। एक सपना मैंने देखा है, एक सपना मैंने देखा है, एक सपना मैंने देखा है, एक सपना मैंने देखा है।